नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी गुप्ता और आप सभी का हमारे YouTube चैनल किचन ऑफ क्वीन में स्वागत है। अगर आप आम के दीवाने हैं तो आम खाना भी आना चाहिए। आज हम आपको आम खाने का सही तरीका और उसके फायदे बताएंगे। गर्मियों में आम खाने से पेट में नहीं होगी गर्मी, जाने खाने का सही तरीका। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर ले। गर्मियों के सीजन में कोई आम न खाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आम के दीवाने आपको हर घर में मिलेंगे, जो गर्मियों का इंतजार सिर्फ आम के कारण ही करते हैं। इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं खाया जाता, बल्कि इससे कई सारी रेसिपी भी बनाई जाती है। रात का खाना खाने के बाद तो आम खाना तय ही होता है। अब एक बात बताइए कि आम खाते कैसे हैं? क्या सही ढंग से आम खाने का तरीका पता है आपको? अब आप सोचेंगे कि सही ढंग से आम खाने का क्या मतलब है। आपने सुना होगा गांव देहात में या अपने ही घरों में दादी नानी और मम्मी आम को लाते ही पानी में भिगोने की सलाह देती है। ऐसा क्यों करते हैं वे लोग, क्या कभी आपने सोचा है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आम खाने का सही तरीका और इसके भिगोने के फायदे के बारे में बताएंगे। खाने से पहले आम भिगोने से क्या फ़ायदा है और क्या नहीं, इसके पीछे के विज्ञान को समझना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही क्या आपको पता है कि अगर आप आम सही ढंग से खाएंगे तो आपको वजन कम करने में भी बहुत मदद मिल सकती है। आम को खाने से पहले भिगोना क्यों जरूरी है? आज के समय में हम दाल में पके हुए आम नहीं खाते हैं। आम ज़्यादातर केमिकल से पकाए हुए होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। साथ ही आम की तासीर गर्म होती है, तो इसे खाकर पेट में गर्मी हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि स्किन की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आम में फाइटिक एसिड, गर्मी और तमाम केमिकल्स को हटाने के लिए उन्हें पहले भिगोना जरूरी होता है। आम भिगोकर खाने के फायदे। आम में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर द्वारा कुछ खनिजों जैसे लोहा, जस्ता, कैल्शियम और अन्य खनिजों के अवशोषण को रोकता है, जिससे खनिजों की कमी होती है। जब आप आम को भिगोते हैं तो यह शरीर में गर्मी पैदा करने वाले अतिरिक्त फाइटिक एसिड को निकालने में मदद करता है। बीमारियों से मिलता है छुटकारा। आम में गर्मी होने से पेट में गर्मी होती है, जिससे स्किन संबंधित कई बीमारियां हो सकती है। आम को पानी में भिगोने से उसकी गर्मी निकलती है, तो पेट की और स्किन की समस्या भी पैदा नहीं हो सकती। साथ ही भिगोने से इसके तने पर लगे दुधिया रस को हटा देता है, जिसमें फाइटिक एसिड होता है। फैट बस्टर की तरह करते हैं काम। आम शरीर के तापमान को भी बढ़ाते हैं, जिससे थर्मोजेनेसिस का उत्पादन होता है। इसीलिए आमों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोने से उसके थर्मोजेनिक गुण को काम करने में मदद मिलेगी। आम में फाइटोकेमिकल शक्तिशाली होती है, भिगोने से उसकी एकाग्रता कम हो जाती है और वे प्राकृतिक वसा बस्टर के रूप में कार्य करने लगता है। आम खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आम खाने का क्या सही समय होगा, लेकिन आपको बता दें कि आम सही समय पर और सही ढंग से खाए तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। आम क्योंकि फाइबर का अच्छा स्रोत है, इसीलिए आप उसे सुबह खा सकते हैं, मिड लंच में खा सकते हैं। इस टाइम पर एक आम खा लेने से आपका पेट फुल रहेगा। क्या डायबिटीज के पेशेंट आम खा सकते हैं? आम में बहुत अधिक प्राकृतिक शुगर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मधुमेह वाले लोग आम नहीं खा सकते। आपको बस अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है और उसका पूरा ध्यान देना है। हाई ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर मधुमेह का साइन है, इसीलिए ब्लड शुगर लेवल की निगरानी और नियंत्रण जरूरी है। क्या आम खाने से घट सकता है वजन? कई शोध बताते हैं कि आम में बायो एक्टिव यौगिक और फाइटोकेमिकल फैट सेल्स और फैट से जीन को दबा सकते हैं। यह दर्शाता है कि आम वजन कम करने के लिए फायदेमंद हो सकता है।
आम में कैलोरी की मात्रा कम होती है, लेकिन पानी और डाइटरी फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। हाई फाइबर फूड खाने से आपका पेट फुल रहता है और आपको खाने की क्रेविंग नहीं होती। आम विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार कर सकता है। आम को डाइट में शामिल करने के तरीके। टेस्टी और हेल्दी डाइट के लिए स्मूदी या ग्रीक योगर्ट मेके के साथ आम की स्लाइसेस डालकर खाया जा सकता है। आप इसे अपने लंच के दौरान खा सकते हैं, जो आपको पेट फुल रखेगा। ध्यान रखें कि आम को कभी भी चीनी के साथ ना मिलाएं, क्योंकि यह संयोजन आपके वजन और ब्लड शुगर के स्तर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज आपको आम के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य मालूम हुए होंगे। अपनी डाइट में आम को इस तरह से शामिल करें और खाने से पहले भिगो जरूर लें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। डाइट से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई हेल्थ टिप्स वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।